एआई मार्केटिंग का विड्रॉल कब तक आएगा और आखिरकार क्या है इस विड्रॉल के पीछे की रियलिटी, कब तक आ सकता है विड्रॉल। और फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि मैंने आज तक जितनी भी वीडियो बनाई है 100 से प्लस मेरी वीडियो गई है, चाहे आपने उनको देखा या कंप्लीट नहीं देखा, लेकिन आज इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि मैं आज यहां पर कुछ ऐसी बातें रखने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग यहां पर इस वीडियो को कंप्लीट देखो। और मेरी आप सबसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना, क्योंकि ये अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे हिसाब से आने वाली है आपके लिए। तो फ्रेंड, मैं हूं मोहम्मद दानिश, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग MDM। आई होप आप सब ठीक से होंगे और आपकी फैमिली भी बहुत अच्छे से होगी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AI मार्केटिंग की, यहाँ पर जो विड्रॉल है उसके रियलिटी के बारे में। उसके अलावा मैं आपके साथ कुछ पर्सनल बातें शेयर करने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर वीडियो को कंप्लीट देखो, चाहे आज तक आपने जितनी वीडियो देखी आपने वो कंप्लीट देखी या नहीं देखी, लेकिन इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना। और ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे लिहाज से और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड, आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करना और वीडियो को कंप्लीट देखना। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आप चाहो तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो, आपकी चॉइस है फ्रेंड, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखना फ्रेंड। तो फ्रेंड, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ, मैं अपने बारे में बोलना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ, मतलब रियलिटी फैक्ट जो हर इंसान के होते हैं उसके बारे में। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे AI मार्केटिंग के विड्रॉल के बारे में। देखिए फ्रेंड, जितने भी यहाँ पर लोग मेरे को देख रहे हैं, और आई होप मैं 99% श्योर हूँ कि सब लोग यहाँ पर वो लोग होंगे जो यहाँ पर अर्निंग के रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो AI मार्केटिंग से बिलोंग करते हो या किसी भी आप यहाँ पर प्लेटफॉर्म से बिलोंग कर रहे हो, आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, आपका एक ही मिशन है अर्निंग। चाहे आप किसी भी तरह से अर्निंग कर रहे हो यहाँ पर या करना चाहते हो यहाँ पर, कोई मतलब मेरे जो चैनल है इस पर आप अर्निंग के रिलेटेड ही आपको वहाँ पर वीडियो मिलती है, तो सब लोग यहाँ पर अर्निंग के रिलेटेड ही वीडियो को देखते हैं, तो सब वहाँ पर वही होंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करो। जैसे यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें, 3 तरह के लोग यहाँ पर होते हैं, जैसे कुछ लोग बहुत रिच हैं, कुछ मिडिल फैमिली से हैं, कुछ थोड़े लो फैमिली से हैं। तो जिस भी तरह के लोग हैं, आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या, मतलब एक रियलिटी है। चाहे आप कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी मंथली इनकम यहाँ पर 10,000 से 15,000 या 15,000 से 20,000 या 20,000 से 30,000 के बीच में होती है, तो क्या लोग वो उस इनकम से सेटिस्फाई होते हैं? मैं यहाँ पर 99% श्योर हूँ कि वो कभी भी उस इनकम से सेटिस्फाई नहीं होंगे। और जिन लोगों की यहाँ पर 1,00,000 मंथली इनकम होती है, और मैं उस चीज़ से भी यहाँ पर 99% श्योर हूँ कि वो लोग भी यहाँ पर जो मेरे को देख रहे होंगे, जिनकी इनकम यहाँ पर 1,00,000 के बीच में होगी मंथली, वो भी कभी भी उस इनकम से मतलब सेटिस्फाई नहीं होंगे। उसके पीछे का रीज़न ही बोलता हूँ, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको आप पूरा देख सुनो और उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि ये बात मैं आपसे शेयर क्यों कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको पहले ही बोला कि मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का पूरा कंप्लीट देखना, पर्सनली बता रहा हूँ आज। और कुछ लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड, अगर वो करोड़ भी कमा रहे हैं मंथली, तब भी वो उस चीज़ से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। जैसे एक बंदा महीने का 10,000 कमा रहा है, उसकी जो मतलब होता है ना इनकम और आउटकम, मतलब जितना कमा रहा है उतना उसका जा रहा है घर का, उसका उतना बजट होता है, जितना मतलब कमाता है उस हिसाब से उसका खर्चा होता है, वो उसको उसमें एडजस्ट करता है, लेकिन वो उस चीज़ से कभी सेटिस्फाई नहीं होता। वो चाहता है कि मैं आगे और बढ़ाऊँ, मतलब और करूँ, उसके सपने और होते हैं। तो वो अगर मतलब यहाँ पर 10,000 कमा रहा है, वो चाहता है अगर मैं यहाँ पर 20 या 25,000 कमाऊँ मंथ के, तो मेरे सपने यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आती है जब वो 20,000 या 25,000 कमाने लगता है, तब उसके सपने और बढ़ते हैं, वो चाहता है कि मैं यहाँ पर 40 या 50,000 कमाऊँ। और वो अगर उस स्टेज पर भी चले गया 50,000 के स्टेज पर, तो उसके सपने और आगे बढ़ते हैं। इस तरह 1,00,000 जो कमा रहा है, जिसका अगर उसको 1,00,000 की इनकम आ रही है, उसको इतना जा भी रहा है, उसके उतने मतलब खर्चे भी हैं, क्योंकि उसका उस हिसाब से सिस्टम चलता है। मतलब उसका 1,00,000 अगर आ रहा है, तो उसका मकान भी वैसा है, उसके सपने थोड़े बड़े हैं, उसकी जो आउटकम है वो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब जितना आ रहा है उससे ज़्यादा उसका जा भी रहा है यहाँ से, तो वो उस चीज़ से कभी सेटिस्फाई नहीं है। हाँ, बल्कि उसकी लाइफ थोड़ी जो मिडिल फैमिली में, जिसका 10,000 है और जो 1,00,000 वाला है, वो 1,00,000 वाले की लाइफ जो है थोड़ी अच्छी चल रही है 10,000 के कंपेयर में, लेकिन वो खुद से उतना खुश नहीं है, क्योंकि वो चाहता है मैं और कमाऊँगी, उसके सपने और बढ़ रहे हैं, उसकी नीड और बढ़ रही है। और उसी कंपेयर में अगर हम देखें, जैसे 1,00,000 कोई मंथली कमा रहा है, उस बंदे के भी वहाँ पर नीड पूरी नहीं होती, क्योंकि उसके सपने 1,00,000 से ज्यादा होते हैं। अगर कोई 1 करोड़ कमा रहा है, वो उस चीज से कभी सेटिस्फाई नहीं है, गारंटी दे रहा हूं फ्रेंड इस चीज की। अगर आप जो बंदा 1 करोड़ मंथ का कमा रहा है, उससे आप बात करो, क्योंकि उसके सपने बड़े होंगे, उसकी जो होता है ना वो लाइफ की मतलब उसके सपने, उसके शौक, वो और बढ़ जाएंगे, तो वो उस चीज़ से कभी सेटिस्फाई नहीं हो चाहता है। अगर उसका वो 1,00,000 कमा रहा है, 1 करोड़ कमा रहा है, वो चाहता है मैं 2 करोड़ कमाऊँ, वो चाहता है मैं 3 करोड़ कमाऊँ, तब जाके मैं खुश हो जाऊँगा। लेकिन जहाँ अगर वो 3 करोड़ भी कमा रहा है, वो तब भी आगे बढ़ता रहेगा। मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके जो सपने हैं वो कभी रुकते नहीं, मतलब आपको बोलते हैं आपका ड्रीम कभी पूरा नहीं होता। जैसे बोलते हैं कि मैं, एक बंदा बोलता है कि मैं अगर वो जॉब करूँगा तो मेरा ड्रीम कंप्लीट होगा, कभी भी नहीं। अगर आपके माइंड में कि मैं एक स्टडी करूँ, मैं ये जॉब पाऊँगा तो मेरा ड्रीम कंप्लीट होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका ड्रीम कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। और ड्रीम का मतलब होता है कि, ड्रीम का ये मतलब नहीं कि आप उस चीज़ पर गए, आप कभी सेटिस्फाई नहीं होते, उसको बोलते हैं ड्रीम, मतलब उसको बोलते हैं पॉजिटिविटी। अगर आप एक चीज़ को पा रहे हो, आप वहाँ पर रुक नहीं रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, उसी चीज़ को बोलते हैं पॉजिटिविटी। तो इस तरह के 3 टाइप के लोग हैं, यह समय क्यों बता रहा हूँ, जिससे मैं भी एक अगर बात करूँ अपनी फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं भी हूँ, मैं एक मिडिल फैमिली से हूँ, ना मैं उतना रिच फैमिली से हूँ, ना उतना लो फैमिली, मतलब उतना वो अपनी लाइफ चल रही है मीडियम साइज़ की।
तो मेरी जो एज है आपको अपनी रियलिटी बताऊंगा, मेरी जो एज यहाँ पर है फ्रेंड वो है अराउंड 23 के आसपास मेरी एज है। तो आप जितने लोग देख रहे होंगे, आई होप आपकी किसी की 23 होगी, किसी की 20 होगी, किसी की यहाँ पर 50 होगी, मतलब कुछ लोग मेरे से 20 साल बड़े होंगे, कुछ 40 साल बड़े होंगे यहाँ पर, सब लोग मेरे को देखते हैं यहाँ पर। तो अभी आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ करंटली, ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड आप सुनो, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। आगे हम AI मार्केटिंग के विड्रॉल के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा धैर्य रखो, वीडियो लंबी हो सकती है, मैंने आपको पहले ही पर्सनली रिक्वेस्ट की, थोड़ा वीडियो को सुनना फ्रेंड। मतलब मैं अभी करंटली स्टडी कर रहा हूँ, जब अगर मैं यहाँ पर 2 साल या 7 या 8 मंथ पहले बात करूँ, जब मैं अपने घर वाले से पैसे ले रहा, मतलब घरों से पैसे ले रहा था पढ़ने के लिए, वो मेरे को मतलब मंथली 10,000 या 15,000 इस टाइम सभी मेरे को देते थे पैसे पढ़ने के लिए, ठीक है, उसमें मेरा खर्चा वगैरह जो भी था, मतलब घर से पैसा लेता था। मैंने बोला पहले कि मेरी फैमिली जो है उतना हम रिच भी नहीं है, लेकिन उतना मीडियम भी नहीं है, मतलब मीडियम साइज़ के उतना लो भी नहीं है, तो मतलब मेरे को हर चीज़ से घर वालों से पैसे मांगने पड़ते थे। लेकिन इसके अलावा मैं क्या करता था, मैं अगर मैं बात करूँ, मेरा 6 या 5 6 साल से मतलब मैं ऑनलाइन पे ट्राई कर रहा था, कभी किसी एक एप्लीकेशन में, कभी अपने फ्रेंड भाई तू बता कुछ है इसी तरह, और भी कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब ट्राई कर रहा था कहीं गूगल पे, कहीं सर्च पे कैसे पैसे कमाए, वो ये कहीं जगह धोखे भी खाए, मतलब कोशिश करते कर रहा था, कभी हार नहीं मानी, कहीं पे 1,000 लगा रहा था, कहीं पे 5,000 लगा रहा था, कहीं पे 100 लगा रहा था, कहीं पे 10 रुपये लगा रहा था, 20 रुपये जीतूँ, मतलब इस तरह की मैं कंटिन्यू ट्राई कर रहा था, और बहुत जगह लॉस भी हुआ, 10,000 का 20,000 का, मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं 10th में था तब से मैंने ये सब मतलब शौक आ गया था कि मैंने करना है पैसे कमाने, लेकिन कहीं से कमा नहीं पा रहा था। इवन जब यहाँ पर AI मार्केट में पैसे लगाए, तो मुझे मेरे फ्रेंड ने ही बोला कि AI मार्केटिंग है, इसमें से पैसा लगा सकते हो, बिना सोचे समझे मैंने पैसा लगा दिए। उसके बाद जब यहाँ पर देखा तो विड्रॉल बंद हो गया, विड्रॉल मुझे नहीं मिला है कोई भी, मैंने कोई विड्रॉल खुद से नहीं लिया हुआ है। तो आखिरकार जब यहाँ पर ये सब बंद हो गया, तो भाई लगा देखो ऐसे कुछ होने वाला है नहीं, मतलब होता है ना, एक डिसीजन आपको लेना होता है लाइफ में आगे कैसे बढ़ना होता है, आपने सबसे पहले अपने आपको पॉजिटिव मीन्स ये है कि आपने डिसीजन मेकर बनना है, लाइफ में कुछ करना है तो आपको फिर ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो आपको लगता है कि यार मैं कर पाऊंगा, आपको लगता है कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप वो डिसीजन लेते हो, आप खुद पर आपको भरोसा है या नहीं है, लेकिन अगर आप हिम्मत करते हो तो आप डेफिनेटली उस भरोसे को आप कामयाब करते हो। तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊं और मैं खुद मतलब होता ना एक आगे बढ़कर लोगों को अपडेट दूं, जबकि मैं कोई लीडर नहीं हूं, मैं मेरी कोई टॉप आईडिया नहीं थी AI मार्केटिंग में, लेकिन मेरा इरादा था कि मैं यूट्यूब को खोलूं, मैं आगे बढ़ना चाहता था। तो मैंने यूट्यूब खोला, मैंने अपडेट देना स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पर सर्चिंग स्टार्ट कर दी, मतलब क्या है AI मार्केटिंग, जबकि उससे पहले मेरे को खुद कुछ आइडिया नहीं था कि AI मार्केटिंग क्या है, मैंने बस पैसे लगाए थे, उसके बाद ऐसे आता गया। और मैं अभी अगर करंटली बात करूँ, मैंने इस टाइम 10 प्लेटफॉर्म में मेरा इन्वेस्टमेंट है, और मैं जब मैं 5-6 मंथ पहले की बात करूँ फ्रेंड, मैं घरवालों से पैसे लेता था मतलब, और आज मैं बात करूँ, आज मैं घरवालों को यहाँ से पैसे देता हूँ, मेरी 6 मंथ की बात करूँ, जबकि मैं अभी मेरी एज है 23 और मैं खुद करंटली स्टडी करूँ, कोई जॉब नहीं है। 6 मंथ पहले मैं घरवालों से पैसे लेता था मतलब खाने तक के लिए, और अभी मैं घरवालों को यहाँ से पैसे देता हूँ। कैसे बता रहा हूँ, अभी आपको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ क्या होता है। मैं अभी आपको बात करूँ, अभी इस टाइम में कम से कम मेरा 10 कंपनी मेरा इन्वेस्टमेंट है, मतलब 10 जगह मेरा इन्वेस्टमेंट है, कुछ ऐप है, कुछ वो है, कुछ ये है, लेकिन आपके साथ मैं अभी करंटली बात करूँ, जो मैं ओपन बात मतलब जिस चीज़ में ओपन बिजनेस कर रहा हूँ, वो है MyoTrade। आप सबने लोगों ने देखा होगा, अभी मैं यहाँ पर ये नहीं बोला कि मैं उसको यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। अभी करंटली मैं यहाँ पर MyoTrade को क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, अभी मैं मतलब उसके लिए वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं बताया मेरा एक उसमें नहीं इन्वेस्ट है, मेरा उसके अलावा 10 और यहाँ पर कंपनी कुछ और जगह इन्वेस्ट, 10 जगह और इन्वेस्टमेंट है, कहीं पर 500 है, कहीं पर 10,000 है, कहीं पर 5,000 है, हर का जो जहाँ पर इन्वेस्ट किया हर एक अलग अलग सोर्स है। आप लोग भी यहाँ पर जो मेरे को देख रहे होंगे, आपका सिर्फ AI मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं होगा, आपका भी 5 या 6 जगह और इन्वेस्टमेंट होगा, किसी का 10 जगह होगा, किसी का 5 जगह होगा, किसी का सिर्फ AI मार्केटिंग में ही होगा, लेकिन फ़र्क क्या है, मैंने पहले बोला ना, मैं पहले सिर्फ घर वालों के ऊपर डिपेंड था, जब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं यार मुझे खुद से कुछ करना है, देखो ऐसे ऑनलाइन सर्च करने से मैं पैसे नहीं कमा सकता, सिर्फ सर्च करते रहूँ वहाँ कैसे कमाऊँ, या 10 रुपये यहाँ से लगाऊँ वहाँ से 20 कमाऊँ, उससे कुछ होने वाला नहीं है, डिसीजन बड़ा लेना है मेरे को, तो मैं उसमें उतरा। अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत कामयाब हो गया, लेकिन मैं उस राह पे हूँ कि हाँ मैं कुछ कमा रहा हूँ, इसमें मुझे यकीन है कि हाँ मैं कुछ कमा रहा हूँ, मैं घर वालों को आज यहाँ से कुछ दे रहा हूँ। अभी मेरी एज 23 है और 6 मंथ ही हुए मेरे को, तो मेरा 10 जगह इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हर एक का अलग अलग, जैसे आपका भी होगा, लेकिन मैंने बोला लाइफ में जो डिसीजन लेना है वो बड़ा लेना है। और मैं MyoTrade को क्यों प्रमोट कर रहा हूँ और बाकी उन नवों को क्यों प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक का अलग अलग, कहीं पे 5,000 है, कहीं पे 10,000 है, और कुछ होता है ना कुछ स्कैम, मतलब कुछ हर जगह कहीं पर स्कैम भी हो सकता है, वो मैंने अपने रिस्क पर डाला है वहाँ पर। तो आपको रिस्क लेना है तो आगे मतलब आप खुद रिस्क करते हो, आपको लगता है कोई ऐप है जहाँ पर पैसे डाल रहे हो, आपको लगता है रिस्की है वो, आप अपने फ्रेंड को कभी नहीं बोलोगे कि आप यहाँ पर लगाओ। इस तरह मैं वो जो 9 या 10 मैंने जहाँ पर इन्वेस्ट किया है, मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ कि आप वहाँ पर आओ, लेकिन मैंने एक करंटली जो मैंने बिजनेस ज्वाइन किया उसका नाम है MyoTrade। देखिए एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर मैंने पहले बोला अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो आप डेफिनेटली उसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, और उस पर आप यहाँ पर लाखों करोड़ों कमा सकते हो। और मेरा भी वहाँ पर सपना है कि मैं वहाँ पर 1 करोड़ मेरा टारगेट है,
मतलब मेरा जो टारगेट है वो पर्सनली 1 करोड़ है, आपको यकीन नहीं होगा मैं यहाँ से 1 करोड़ कमाऊंगा, लेकिन मेरा टारगेट है। बाकी मैं उसको कमा पाता हूँ या नहीं कमा पाता हूँ वो एक अलग बात है, मतलब मैं उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मतलब इन्वेस्टमेंट के थ्रू मैं उतना वहाँ पर कमा नहीं सकता, एक रियलिटी ये भी है। लेकिन मेरा टारगेट है कि मैं चाहे मैं टीम से कमाऊँ, मेरा टारगेट है कि मैं 1 करोड़ में कमाना चाहता हूँ, मैं उसमें कमाऊंगा। ये मैं आपको गवाह देता हूँ, जिस टाइम मैं 1 करोड़ कमाऊंगा आपको पूरा अपने अकाउंट का डिटेल दूंगा कि इस टाइम मेरा 1 करोड़ पूरा हो गया, मैंने कमा लिया है। और यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं सब लोग, आई होप देखिए, मतलब मैं ये जानता हूँ कि जितने भी लोग मेरे को लोग देख रहे हैं, किसी कोई मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, कुछ रिच फैमिली से बिलोंग करता है, और जो ऊपर लेवल के मतलब हैं उनका, मतलब जो रिच लेवल के हैं उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वहाँ पर टीम को जोड़ें फिर किसी को यहाँ पर शेयर करें, बिल्कुल भी नहीं। उनके लिए ये मौका है कि देखिए वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर अपने बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर वो यहाँ पर डालेंगे मायो ट्रेड के अंदर तो वो वहाँ पर करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन अगर वो जो मिडिल फैमिली से है, मतलब वो भी चाहता है वो जितना इन्वेस्ट कर सकता है वो करे, क्योंकि वहाँ पर वो जो मायो ट्रेड है वो एक सेफ है, इसलिए मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ वहाँ पर अपने वीडियोज़ के अंदर। तो अगर आपका ड्रीम आगे बढ़ने का है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली मायो ट्रेड को ज्वाइन कर सकते हो। कहने का मतलब यह कि आप एक चीज़ के ऊपर डिपेंड मत रहो, जैसे मैं सिर्फ मायो ट्रेड को ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मायो ट्रेड में मेरा मिशन है 1 करोड़ कमाने का, मतलब अभी कि मैं उसमें 3-4 महीने के अंदर 1 करोड़ कमाऊं। बाकी मैं उसमें कामयाब होता हूँ या नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू नहीं कमा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मेरी है उसमें $1,000, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि $1,000 से मैं उसमें 1 महीने में 1 करोड़ नहीं कमा सकता। अगर कोई बंदा सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट ही करेगा तो वो बिना किसी टीम को शेयर किए भी वहाँ पर 1 करोड़ कमा सकता है 1 महीने के अंदर, जो इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा ऊपर, मतलब ऊपर लेवल की। बाकी मैं उसकी अलग वीडियो बनाता हूँ। देखिए अब हम यहाँ पर मिशन है, जो वीडियो है वो है मार्केट को लेकर है। ये कहने का मतलब ये है कि देखिए मैं बहुत से मल्टीपल यहाँ पर सोर्स से इनकम करता हूँ, और मैंने बोला ना मैं 6 महीने पहले मैं यहाँ पर फैमिली को यहाँ से पैसे दे रहा था, लेकिन मतलब वहाँ से पैसे ले रहा था, लेकिन अभी यहाँ से पैसा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया और मैं उसमें थोड़ा बहुत कामयाबी हुआ, और मैं मुझे लगता है कि मैं आगे लेकर और कामयाब हुआ, क्योंकि मैं खुद को एक पॉजिटिव हूँ और अपने पर भरोसा है। और इस तरह से अगर आप, मैं आपको नहीं बोलूँगा आप मायो ट्रेड ज्वाइन करो, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको किसी भी, कभी भी चाहे आप लाइफ में एक सोर्स से अगर आप यहाँ पर 10,000 या 50,000 या 50 लाख भी कमा रहे हो, कभी भी उस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। मैं आपको जो मैंने बताया मायो ट्रेड का, मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बोलूँ कि आप वहाँ पर ज्वाइन करो या वहाँ पर आओ, वो आपका डिसीजन है कि आपको आना या नहीं आना है, या अगर आप कहीं से अच्छे खासे पैसे कमा भी रहे हो ठीक है उससे कमा रहे हो, लेकिन आप एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहो, चाहे किसी और कंपनी में जाओ, मतलब चाहे वो स्कैम है, लेकिन आप मल्टीपल इनकम करो फ्रेंड्स। मल्टीपल इनकम का बहुत फायदा होता है फ्रेंड, बहुत फायदा होता है लाइफ में आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपको जब मल्टीपल इनकम आती है, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट आप करते हो बहुत जगह पे, आपको बहुत बेनिफिट होता है उसका आपको बताऊंगा आगे। तो फ्रेंड अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा एआई मार्केटिंग के विड्रॉल की तरफ से। ये कहने का मतलब फ्रेंड यहाँ पर आज का ये था कि आपको किसी भी चीज़ के ऊपर आप बिल्कुल 100% डिपेंड मत रहो, चाहे आपके घर वाले हैं उनके ऊपर डिपेंड मत रहो, अगर आप कहीं से कमा रहे हो आप उसके ऊपर डिपेंड मत रहो। जो बंदा जॉब करता है मैं आपको लिख के दूंगा, वो कभी अपनी जॉब के ऊपर डिपेंड नहीं है, जो पॉजिटिव बंदा है जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, इनकम करना चाहता है, अगर वो अपनी जॉब से यहाँ पर 1 लाख ले रहा है वो तब भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, क्योंकि वो उस चीज़ सेटिस्फाई नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला अगर कोई 1 करोड़ कमा रहा है तो वो उस 1 करोड़ से यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है, अगर कोई 1 लाख कमा रहा है तो वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, अगर कोई 10,000 कमा रहा है तो वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। अब आपको डिसीजन लेना है फ्रेंड, क्या आपको यहाँ पर 10,000 में सेटिस्फाई हो, या आप 50,000 में सेटिस्फाई हो, या आपको आगे सपने अपने बड़े करने हैं। तो लाइफ में आपके बड़े ड्रीम होंगे, आप उसमें कभी फेल हो सकते हो, लेकिन आपके वो खत्म नहीं होंगे। आप उसमें एक बार फेल हो सकते हो, आप उसमें 2 बार फेल हो सकते हो, लेकिन आप उसमें आगे जाके कामयाब जरूर हो जाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। जैसे हम किसी एग्जाम में फ्रेंड जाते हैं, मैं अपनी बात करूँगा यहाँ पर, मेरे बहुत स्टूडेंट हैं, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर हैं जो आते हैं फर्स्ट सेम में, उनकी कुछ बुक रिपेयर होती है, एक बार होती है, 2 बार होती है, क्या वो इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते, बहुत टफ है इंजीनियरिंग, लेकिन वो कभी छोड़ते नहीं, उसको मानते हैं, मतलब हार नहीं मानते हैं, वो डेफिनेटली उसमें मेहनत करते हैं, आगे उसको कामयाब करते हैं, तब जाके वो एक इंजीनियर बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस एक इंजीनियर की अगर एक बुक फेल हो रही है वो इंजीनियर नहीं बन सकता, कभी भी नहीं, वो मेहनत करता है उसमें, फिर से 2 बार 3 बार उस बुक को क्लियर करके वो इंजीनियर बनता है, क्योंकि उसका सपना होता है मेरे को इंजीनियर बनना है, उसको घर वालों ने डाला होता है, उसका भरोसा होता है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, बैकलॉग उसको आती है, लेकिन वो इंजीनियर बनता है, वो फेल होने से कभी वो अपने इंजीनियरिंग नहीं छोड़ देगा। तो इस तरह से फ्रेंड हमें क्या होता है, हमें जैसे मेरे को भी स्टार्टिंग में बहुत सी जगह मेरे को स्कैम हुआ, तो हम इसके चक्कर में क्या करते हैं, हम अच्छे मौके गवा देते हैं, जहाँ पर हमारे मौके होते हैं ना, मतलब बोलते हैं हमें एक या 2 जगह कहीं धोखा लगता है, उस धोखे के चक्कर में हम बाद में पछताते हैं कि यार हमने देखो उस चक्कर में हमने बहुत से अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो ये आपको मिस नहीं करना, अगर आपको कहीं पर अच्छा मौका मिल रहा है उसको आप मतलब पकड़ो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो वहाँ पर आपको मिस नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो मैं यहाँ पर आपके लिए अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म ला रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपको मायो ट्रेड ला रहा हूँ, आगे जाकर मुझे कोई और प्लेटफॉर्म दिखेगा मैं उसको भी लाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं मायो ट्रेड में काम कर रहा हूँ मैं इसमें काम करते रहूँगा, डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं, मैं सर्चिंग में हूँ कि मैं एक और प्लेटफॉर्म देखूँ जो मुझे अच्छा लगे मैं उसको भी चलाऊंगा। मुझे मैं सर्चिंग में अगर मुझे 10 प्लेटफॉर्म अच्छे लग रहे हैं जहाँ पर मेरे लोग आ सकते हैं, मतलब मैं 10 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म लाऊं मैं आपके सामने जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका पैसा सेफ रहे। तो मैं अभी सर्चिंग में मैं नहीं हूँ कि अभी ट्रेड में मैं अभी पैसे लगा रहा हूँ वहीं से कमा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले बोला मैं एक चीज़ के ऊपर डिपेंड कभी भी नहीं रहता,
चाहे मैं एक चीज से लाखों क्यों ना कमाऊं, करोड़ों क्यों ना, करोड़ रुपए में क्यों ना दिन का कमाऊं, मैं तब भी दूसरी चीज के सर्च में रहता हूं कि मैं दूसरी चीज से कैसे पैसा कमाऊं। जैसे ही मुझे यहां पर अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिखता है, मैं आपके लिए यहां पर डेफिनेटली लाऊंगा, और तीसरा भी लाऊंगा, चौथा भी लाऊंगा, जैसे आप मतलब जो आपको फिर अच्छा लगता है वहां से आप जो आपके लिए होता है ना एक मतलब, जैसे मैं अभी मार्केट ला रहा हूं, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, मतलब कुछ लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, किसी भी हालत से यहाँ पर नहीं आएंगे, तो आगे मैं एक और ला रहा हूँ, क्योंकि जो जो लोग इसमें फिट नहीं हो रहे हैं तो वो वहाँ पर फिट हो जाएंगे, क्योंकि मेरा मिशन यहाँ पर इंडिया के जितने भी लोग हैं जो बाहर से जुड़े हुए हैं, हमारा मिशन है फ्रेंड यहाँ पर मनी, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना, क्योंकि बहुत से लोग चाहे वो करोड़पति कमा रहे हो, मैंने पहले बोला हर एक का ड्रीम है कि हमें आगे बढ़ना है, वो कभी भी अपनी अर्निंग से सेटिस्फाई नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना है और अपने पैसे को डबल करना है, ट्रिपल करना है। अगर हम 10,000 कमा रहे तो हमने यहाँ पर ये नहीं करना है कि हमने 10,000 को बचा के रखना है, हमारा ये सपना होना चाहिए कि हमने 10,000 से यहाँ पर 50,000 कैसे कमाने हैं, 50,000 से हमने अपने लाख की तरफ कैसे बढ़ना है, लाख से हमने करोड़ की तरफ कैसे बढ़ना है, ये हर एक का ड्रीम होना चाहिए, तभी वो लाइफ में एक अच्छी लाइफ पा सकता है, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी मतलब होता है ना अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सब कुछ तभी मिल सकता है, तभी आप एक खुश मतलब इंसान बन सकते हो। बोलते हैं ना पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन आज के टाइम अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, जब आपके पास मतलब पैसा होगा तो आपको सब कुछ मिलेगा, इस चीज़ की एक रियलिटी है फ्रेंड्स, टाइम रियलिटी। अगर किसी आप शॉप में जा रहे हो अच्छे से शॉप में, वहाँ पर अच्छी चीज़ें वहाँ पर देख तो फिर मिल सकते हो, लेकिन आप खाता भी सकते हो जब आपके पास पैसा होगा, तो आपको वहाँ पर होता है ना जो 50,000 या 10 मतलब होता है ना 1,00,000 ही क्यों ना वो इनकम ले रहा है, लेकिन आपको वो जी बोलेगा, सर बोलेगा, क्योंकि वहाँ पर आप ऑर्डर कर रहे हो, चाहे वहाँ पर 1,000 का ही ऑर्डर कर रहे हो, लेकिन अगर उसकी सैलरी है ना 1,00,000 आपको जी बोलेगा, क्योंकि आप ऐसे तकते हो उस होटल में जाने की, तो ये चीज़ समझो फ्रेंड। अभी हम फ्रेंड आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपने एआई मार्केटिंग की तरफ। देखिए एआई मार्केटिंग का जो विड्रॉल है ये यहाँ पर आपको मैंने जो पैसे पहले बताया पीछे, इसका एक ही मकसद था फ्रेंड, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा बोलने लगा होगा तो उसके लिए सॉरी, और जिस चीज़ को मतलब जो लोग यहाँ पर मतलब थोड़ा इस मेरे से मतलब नाराज़ हुए, आपने ये स्टोरी क्यों बताई, देखिए आप स्टोरी बताने का मकसद एक ही था कि मैं अपनी बात इसलिए कर रहा था कि आप जो मतलब मेरी रियलिटी, ऐसी बहुत से लोगों की रियलिटी हो गई जो यहाँ पर खुद अर्निंग करना चाहते हैं, आपने पर फ्रेंड बिलीव रखो, आप डेफिनेटली लाइफ में आगे काम होंगे, अगर अभी आप कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, अपना ड्रीम बनाओ और उसके ऊपर मेहनत करो, कभी भी ये बस चुके मैं नहीं कर सकता, आप किसी चुके मैं यहाँ कर सकता हूँ, चाहे आपका टारगेट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस टारगेट के पीछे अगर जाओगे मैं गारंटी दे रहा हूँ फ्रेंड, आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार फेल हो सकते हो, लेकिन आप उसको अचीव करोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, चाहे कोई भी टारगेट हो। तो अभी यहाँ बात करते हैं जिनका पैसा यहाँ पर एआई मार्केटिंग में। देखिए फ्रेंड एआई मार्केट का जो विड्रॉवल है उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें, अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर गलत हो रही है जो मैं आपको कंटिन्यू बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मतलब होता है ना थोड़ा सा मतलब अभी भली यकीन कर पाना थोड़ा मतलब मुश्किल है, क्योंकि एआई मार्केट ने अपनी मेल हटा दी, अपडेट नहीं दे रहा है यहाँ पर, और जो विड्रॉवल वो तो 10 मंथ से नहीं आ रहा है। उसके बाद भी यहाँ पर कुछ लीडर हैं जो मतलब बता रहे हैं कि हम यहाँ पर ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो कुछ एंगल से बता रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, और हम सब लोग चाहते हैं कि देखिए एआई मार्केट हमारा विड्रॉवल दे दे यहाँ पर, सिंपल सी बात है, अगर एआई मार्केटिंग को आगे कंटिन्यू काम नहीं करना, लेकिन हमारे जो पैसे फंसे हैं वो यहाँ पर रिटर्न कर दे, उसके बाद एआई मार्केटिंग की अपनी मर्जी है, और उसके बाद लोगों की मर्जी होगी को एआई मार्केट में जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो लोगों की अपनी आपकी अपनी चॉइस होगी, लेकिन इस टाइम हम सबकी यही डिमांड है कि एआई मार्केटिंग विड्रॉवल दे दे, लेकिन रियलिटी ये है कि एआई मार्केटिंग विड्रॉवल देने के मूड में इस टाइम नहीं है, मतलब करंटली नहीं है, आगे जाके आपको एआई मार्केटिंग विड्रॉवल दे सकते हैं, ये भी एक रियलिटी है, लेकिन उसकी कितना मतलब गुंजाइश है, वो गुंजाइश बहुत कम बचती है, क्योंकि जो एआई मार्केटिंग कर रही है 10 मंथ से विड्रॉवल नहीं दे रही है वो ठीक है, जुलाई तक उसने टाइम मांगा था, उसके साथ साथ वो जुलाई खत्म कब का हो गया, तब तक मैं यहाँ पर बहुत पॉजिटिव था आप सबके, हाँ देखिए जुलाई तक मांगा है टाइम, आप सबको यहाँ पर दिक्कत क्या है टाइम देने में, जबकि कंपनी ने कुछ टाइम मांगा है, लेकिन जब जुलाई खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, ठीक है टाइम खत्म हो गया, लेकिन मैं चाहता था कि अगर टाइम खत्म हो गया तो एआई मार्केटिंग यहाँ पर अपडेट देकर बोले कि हमने आपको टाइम दिया था वो टाइम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, हम अपने काम को यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाए, आपको विड्रॉवल नहीं दे पाए, तो वो यहाँ पर विड्रॉवल देते, लेकिन उसने ऐसा कुछ अपडेट नहीं दिया और मीटिंग भी नहीं ले रही, और मीटिंग लेने के पीछे मीटिंग पोस्टपोन करते हैं, उसके पीछे जो मतलब अपडेट होता है मतलब उसके बीच में जो मतलब वो पोस्ट होता है वो एकदम मतलब ना एक्सेप्टेबल होता ही नहीं, ये बोलते हैं वहाँ पर स्टिल आउट ऑफ सर्विस, तो वो कहीं ना कहीं अभी मुझे बहुत चुभ रहा है कि देखिए क्या ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इनकी जो प्रॉब्लम चल रही थी यहाँ पर एग्रीगेटर वेरिफिकेशन का बहुत बड़ा इशू था, मतलब जीरो से प्रॉब्लम हुआ, अभी कंटिन्यू चल रहा है, और जो नेक्स्ट मीटिंग की डेट है वो यहाँ पर 20 तारीख को दी गई है, तो हम यहाँ पर यही उम्मीद करते हैं कि एआई मार्केटिंग यहाँ पर 20 तारीख को अपना यहाँ पर हमें एक मीटिंग ले और सब कुछ क्लियर कर दे लोगों को, अगर उसको चलना है तो बता दे कि मैं चलना है, अगर नहीं चलना है तो मैं चाहता हूँ कि एक मीटिंग लेकर वो बोल दे या ड्राफ्ट डाल दे कि भाई एआई मार्केटिंग बंद हो चुकी है, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो खत्म हो जाएंगी, और जिनकी उम्मीदें अगर चलना है तो यहाँ पर सीधे सीधे बोल दे एआई मार्केटिंग, हाँ हम काम करने वाले हैं, हमें प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जो लोग अब सिर्फ एआई मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एआई मार्केटिंग में अपडेट देना चाहिए, लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कभी भी एआई मार्केटिंग हो या किसी और प्लेटफॉर्म में आप इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो आपके बाप का ही प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, मैं आपको एक फ्रेंड क्लियर कर दूँ फ्रेंड, चाहे आपकी बाप की क्यों ना वो कंपनी आपको यहाँ पर पूरा भरोसा कि ये कंपनी लाइफ टाइम चलेगी, तब भी उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना, मतलब एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे मैं आप मायो ट्रेड अभी आप मायो ट्रेड में आ रहे हो, न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हो, लेकिन डिपेंड नहीं रहना, चाहे मैंने पहले बोला आपके बाप की कंपनी क्यों ना हो, क्योंकि मैं खुद मायो ट्रेड में हूँ और उसके अलावा मैं
10 प्लेटफॉर्म से और पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन वो आपको मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले बोला मैं आपको वही चीज़ शेयर करूँगा जो यहाँ पर सेफ होगी, आपके लिए सेफ होगी। मैं किसी गलत चीज़ को आपके साथ नहीं लाऊंगा, मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर करूँगा जो यहाँ पर सेफ होगी। तो मैं मायो ट्रेड को इस टाइम ला रहा हूँ आपके साथ ताकि वो सेफ है, आगे भी लाऊंगा जो प्लेटफॉर्म सेफ होगा वो आपके लिए लाऊंगा। बाकी जो AI मार्केटिंग की बात करें, अभी यहाँ पर साइड से मेल हट चुकी है, अभी फिर से नहीं आई। यहाँ पर कुछ लीडर बता रहे थे कि यहाँ पर मेल के ऊपर अपडेट चल रहा है, वो आएगी, तो मेल के ऊपर अपडेट तो नहीं चलता। मेरी यहाँ स्टडी है और आपकी, और यहाँ पर देख सकते हो कि मेल के ऊपर कोई अपडेट नहीं होता है। बाकी आप बोलते ना वो भगवान के भरोसे AI मार्केटिंग है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर AI मार्केटिंग को विड्रॉल देना है तो क्लियर कर दे कि हाँ देंगे भाई, काम चल रहा है, इतने टाइम पर आएंगे। लेकिन अगर नहीं देना है, जो लोगों की उम्मीदें बनी है, आखिर एक ही बार टूट जाए वो बार बार टूटने से अच्छा है कि लोगों की जो उम्मीदें मतलब वेट करके 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 वो होता ना उनका वो मतलब दिल तोड़ रहे हैं, उससे अच्छा है कि एक ही बार बोल दे कि भाई नहीं देंगे तो लोग बिल्कुल भूल जाएंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से होता ना अटका के रखना किसी की, वो जान ले रहे हो आप लटका लटका के, वो बहुत तकलीफ देता है। लेकिन अगर आपको बोलते ना गोली मार, एक ही बार मार दो, वो आप मतलब बहुत तरसा तरसा के वो किसी की जान लेना वो बहुत मतलब पेनफुल है। और इस तरह यहाँ पर लोगों की कंडीशन, क्योंकि लोगों के किसी के करोड़ हैं, किसी के लाख हैं, किसी के 10 लाख हैं, जिसकी जो मतलब चाहे किसका करोड़ है उसका भी उतना ही दर्द है, जिसका 10 लाख है उसका भी उतना दर्द यहाँ पर है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी नीड होती है, इस हिसाब से लोगों का यहाँ पर पैसा है। तो मैं यही चाहूँगा AI मार्केटिंग से कि जो इसके लीडर हैं और जो बोल रहे हैं बहुत यहाँ पर सही है, जो सब कुछ ठीक है। मैं खुद चाहता हूँ, मैं खुद होता कि यहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी करंटली ठीक नहीं चल रहा है। अगर यहाँ पर देना है तो दे दे, नहीं देना है तो नहीं, मतलब बंद कर दे यहाँ पर सीधे। ये अटका कर मतलब तो साइट को बंद कर रहे हैं, अब ये मेल को हटा दे, ठीक है साइट को बंद कर दो सब कुछ, कोई अपडेट मत दो, कोई मीटिंग पोस्टपोन कुछ नहीं, मीटिंग की डेट ही मत दो। फिर अगर आपने बाहर जाना तो पूरा भाग ही जाओ फिर, लेकिन अगर आपने काम करना आखिरकार कुछ अपडेट दो लोगों को ताकि उनका जो भरोसा है वो यहाँ पर फिर से आए और उनकी उम्मीदें जग जाए। लेकिन अगर नहीं आपने जगाने नहीं देना है तो इस तरह से लोगों को तो तड़फाओ मत, ये आप मेरी मतलब मैं चाहता हूँ कि तड़फाए मत लोगों को। बाकी फ्रेंड आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या, देखिए आपके लिए गुड न्यूज़ हमने ये रखी है कि आप अगर चाहो तो यहाँ पर मायो ट्रेड में ज्वाइन आकर ज्वाइन हो सकते हो। इसके लिए अलग से मैं आपको वीडियो देता हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। आपने अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको यहाँ पर लाख कमाने, 10 लाख कमाने, करोड़ कमाने या हजारों कमाने, जितने भी आपके कमाने होंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हो। हमने आपको यहाँ पर पूरा बताया हुआ मायो ट्रेड की जो प्लेलिस्ट है, इसके लिए हम अलग से वीडियो आपको देते हैं। बाकी हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर AI मार्केटिंग की जो वीडियो थी, लोग बोलते हैं कि आप AI मार्केटिंग की वीडियो के अंदर मायो ट्रेड या किसी और को प्रमोट मत करो। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो यहाँ पर अर्निंग करना चाहते हैं। आप जो सिर्फ डिपेंड है AI मार्केटिंग को या किसी और चीज़ के ऊपर, तो वो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप मायो ट्रेड को ज्वाइन मत करो, लेकिन आप एक चीज़ के ऊपर डिपेंड ना रहो। अब जो चाहते हैं मायो ट्रेड में आना वो यहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मेरा मिशन है 1 मंथ के अंदर 1 करोड़, तो आपका भी अगर आप चाहते हो कि 1 मंथ के अंदर 1 करोड़, तो आपका मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है। आप 1 मंथ के अंदर आप 1 करोड़ अर्निंग कर सकते हो, उसके लिए आपको मायो ट्रेड को ज्वाइन करना होगा और यहाँ जो मेरी वीडियो है उनको जाकर देखो। अगर वहाँ पर समझ नहीं आ रहा है मेरे से कॉन्टैक्ट करो, कॉल करो, मैं आपको पूरा यहाँ पर बताऊँगा मायो ट्रेड क्या है, कैसे आप यहाँ पर 1 मंथ के अंदर 1 करोड़ अर्निंग कर सकते हो, 1 मंथ के अंदर 10 लाख जो आपका यहाँ पर टारगेट रहेगा वो आप यहाँ पर अचीव कर सकते हो 1 मंथ के अंदर। तो फ्रेंड थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए फ्रेंड। ऑनलाइन अर्निंग की हर एक वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी, मेरा एक ही मकसद है कि लोग यहाँ पर पैसे कमाएं और ऑनलाइन से यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग करके लोग आगे बढ़े और आपका जो भी आप पैसा यहाँ पर लगाओ वो आपका पैसा सेफ रहे, सिक्योर रहे। सबसे बड़ा बात वही है कि आप जहाँ भी पैसे लगा रहे हो आपका पैसा सेफ रहे और उसको आप अर्न डबल कर सको। फ्रेंड थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।